नमस्ते, आई एम जेवियन स्वर्णिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग लैब व्हिच इज कंसोलिडेशन टेस्ट। ओके, इन द प्रीवियस सेशन वी वर डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन टेस्ट, व्हाट इज द apparatus we use in the consolidation test, how it works, everything we were discussed in the previous session. In this session we will practically perform with the help of virtual labs. So now start the lesson. So hamare paas kya object hai is consolidation test ka? हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? टू डिटरमाइन द कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल सैंपल। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है इस टेस्ट में? हमको हमारा जो भी कंसोलिडेशन है, जो जितना भी हम कंसोलिडेशन हम क्या कर सकते हैं, हमारे सॉइल सैंपल से पता कर सकते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग इस कंसोलिडेशन टेस्ट की मदद से हम उसको करते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, या तो ऑडियोमीटर कह लो उसको या फिर कंसोलिडोमीटर कह लो, हम दोनों ही एक ही एपरेटस के नाम है। हम उनमें से क्या करते हैं, हम ऑडियोमीटर को या फिर हम कह लें कंसोलिडोमीटर को यूज करते हैं। क्या करने के लिए? कंसोलिडेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम जो एपरेटस यूज करते हैं वो क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑडियोमीटर टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या निकलती है? वन डायमेंशनल कंप्रेशन टेस्ट की सारी हमारी जो भी वैल्यूज है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन टेस्ट हमने क्या पता किया था, क्यों किया जाता है? कि हमारी सॉइल में जितना भी सेटलमेंट हो रहा है ड्यू टू वाटर वॉइड्स, जो भी वॉइड्स में जितने भी वाटर भरा हुआ है उससे जो भी सेटलमेंट होगा आफ्टर लोडिंग, तो वो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पहले से ही रिमूव कर देना चाह रहे हैं, ताकि अगर हम आफ्टर कंसोलिडेशन आफ्टर कंप्रेशन हम क्या करें, जब हम अपनी बिल्डिंग या सुपर स्ट्रक्चर जो भी हमारा है वो हम खड़ा करें, तो हमारी जो सरफेस है वो सेटलमेंट ना हो जाए, उस पर सॉइल में सेटलमेंट ना आ जाए ड्यू टू वॉइड वाटर इन वॉइड, तो हम क्या करते हैं पहले ही उसको हटाने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी हम पता करना चाह रहे हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन करेक्टरिस्टिक हम क्या कर रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने क्या बताया था कि एपरेटस जो होता है उसमें क्या क्या होता है? कंसोलिडोमीटर में फिक्स रिंग होती है, फ्लोटिंग रिंग होती है, दोनों में से कोई भी रिंग हो सकती है, जो हम यूज करना चाहें वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या और क्या क्या होता है? दो पोरस स्टोन होते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन रिंग होती है, ठीक है, वो मैं बताई चुकी हूँ। कंसोलिडेशन सेल होती है, डायल गेज होता है, लोडिंग डिवाइसेस होती हैं, इक्विपमेंट मेजर के लिए टाइम मेजर के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे ये जो यहाँ पर जो ये दे रखी हैं वेट्स, ये क्या होते हैं? ये हमारे लोड यहाँ पर लगाने के लिए यूज होते हैं, और ये जो एपरेटस यहाँ दिख रहा है, ये छोटे छोटे जो एपरेटस दिख रहा है, मैं इसको जूम करती हूँ, ये जो एपरेटस दिख रहा है ये हमारा क्या है? कंसोलिडेशन सेल है, जिसके अंदर हमारी कंसोलिडेशन रिंग होती है, जिसमें हमारे सारे एपरेटस पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी जिसमें हमारा सैंपल पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पूरा अपरेटस है एक कंसोलिडेशन टेस्ट को परफॉर्म करने का, ठीक है। तो IS 2720 पार्ट 15 1986 में क्या हुआ, कंसोलिडेशन का जो जो भी प्रोसेस थी डिटर्मिनेशन करने की कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज को, वो क्या कर दिया, मेथड को, इस मेथड को फिक्स कर दिया गया कि IS 2720 के अकॉर्डिंग, पार्ट 15 1986 के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर होगा, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारी कंसोलिडेशन करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है इसका, कि सबसे पहले जो भी हमारा क्लीन करते हैं, हमारी जो भी मेटल रिंग होती है हम उसको क्लीन और ड्राई कर देते हैं, ताकि उसमें कोई पहले से मॉइस्चर ना हो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसकी मेजर कर लेते हैं, उसका हाइट और डायमीटर कितना है, विद दी हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और जिसके भी मदद से आप करना चाहें, ठीक है, हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं उसका एम्प्टी रिंग का क्या करते हैं, कंसोलिडेशन रिंग का हम क्या कर लेते हैं, मास कर लेते हैं उसको, हम W1 या M1 हम उसको डोनेशन दे देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉइल सैंपल है उसको क्या करते हैं हम पहले वाटर कंटेन के साथ ड्राइड जो भी हमारी सॉइल सैंपल है उसको क्या करते हैं, उस रिंग में प्रेस करते हैं, ताकि रिंग में क्या करे वो आराम से फिक्स हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो एक जिस
एपरेटस में हम क्या करते हैं, हमारा सॉइल सैंपल प्रिपेयर करते हैं, वो उसमें से क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सॉइल सैंपल लेते हैं, ठीक है, वो सॉइल सैंपल हम लेते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला या स्ट्रिंग कटर की मदद से हम क्या करते हैं, उसको हमारे सैंपल को कट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, हमारे कंसोलिडेशन रिंग में फिक्स करते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन रिंग में फिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं कि जितना भी उसकी ऊपर की या फिर साइड में जितने भी एक्स्ट्रा जो भी सॉयल सैंपल लगा हुआ है उसको हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर सॉरी उसको हम क्या करते हैं फ्लैट कर लेते हैं और सारी जो सरफेस है उसको स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी सॉइल पार्टिकल्स लगे हैं रिंग के आउटसाइड उनको हटा देते हैं। जब वो पूरे रिंग के आउटसाइड की एक्स्ट्रा पार्टिकल हट गए, ऊपर की और नीचे की सरफेस स्मूथ हो गई, हम क्या करते हैं उसके बाद उसका वेट कर लेते हैं। जब हमने ये सॉइल सैंपल इस रिंग में डाला, जो हमारी कंसोलिडेशन रिंग है उसमें डाला, उससे पहले क्या करते हैं उस कंसोलिडेशन रिंग को अंदर की इनसाइड से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो भी ग्रीस हो गया या ऑयल हो गया, हम उससे क्या करते हैं एक बार एक लेयर से एक लेयर उसमें लगा देते हैं, ताकि क्या करें, जिससे क्या हो, जो भी फ्रिक्शन होने वाला है उस सॉइल का, जो भी फ्रिक्शन होगा उस सॉइल सैंपल का उस रिंग में जाने के लिए या जो भी होगा उस, वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने वो जो भी ग्रीस था उसको, ग्रीस या फिर हमारा जो भी ऑयलिंग जो भी मटीरियल था उसको हमने क्या किया, उसको चारों तरफ लगा दिया इनसाइड दी रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वो फिक्स किया था, फिर सारे जो भी एक्स्ट्रा सॉयल थी उसको हटा दिया, ऊपर और नीचे की सरफेस को स्मूथ कर लिया, और उसके बाद क्या किया, उसको हमारे वेटिंग मशीन में रख के उसका वेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास रेस्ट, हमारा जो एक्स्ट्रा मटीरियल, एक्स्ट्रा सॉइल हमने रखी थी, उसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉइल सैंपल लेंगे और एक कंटेनर लेंगे, पहले एम्प्टी कंटेनर का वेट करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे सॉइल सैंपल को रखेंगे और फिर उसका कंटेनर का विद सॉइल सैंपल वेट करेंगे और उसको ओवन में 24 आवर्स के लिए रख देंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, ताकि हमको इनिशियल जो भी उसका मॉइस्चर कंटेंट था इनिशियली, वो उस सॉइल सैंपल का हमको पता लग सके, हमने इसके लिए काम किया, ठीक है। जब ये सारा चीजें हो जाएंगी उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा पोरस स्टोन है उसको हम क्या करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में 15 मिनट्स के लिए, पहले थोड़ी देर के लिए सोक होने के लिए रख देंगे, साथ के साथ क्या करेंगे जो भी हमारे फिल्टर पेपर हैं हम उनको भी उसमें डिस्टिल होने के लिए रख देंगे। फिर क्या करेंगे, हमारा जो कंसोलिडेशन एपरेटस है पूरा का पूरा एपरेटस कंसोलिडोमीटर वाला, उसको क्या करेंगे असेंबल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉटम पोरस स्टोन को हम रखेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे बॉटम फिल्टर पेपर जो है उसको रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे जो हमारा स्पेसिमेन था यानी कंसोलिडेशन रिंग जो थी हम उसको उसके ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद टॉप फिल्टर लगाएंगे, फिर टॉप पोरस स्टोन लगाएंगे, और ये सारा ऐसे करके हम क्या करेंगे हमारी रिंग को फिक्स कर लेंगे और हमारा जो सॉइल सैंपल है कंसोलिडोमीटर में फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंसोलिडोमीटर को जब हमने फिक्स उसमें लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो जो पोजीशन है लोडिंग ब्लॉक की सेंट्रल होनी चाहिए टॉप पोरस स्टोन में, जैसे ही हमने उसको क्या किया इस मशीन में, ठीक है, इस मशीन में हमने क्या किया उसको यहाँ पर फिट कर दिया। तो जैसे ही हमने उसको यहाँ पर फिट किया, तो उसके बाद हमको क्या चाहिए, ये जो इसका जहां से ये लोडिंग लगेगा या ये लोडिंग, ये क्या हो रही है, ये मशीन क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे अटैच हो रही है, ठीक है। तो जो अटैच हो रहा है ये यहाँ पर, इसका जो मेन पॉइंट है जो इसका यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, अगर ठीक है, तो वो क्या होगा, ये हमारा कंसोलिडेशन रिंग है, इस पे एग्जैक्ट सेंटर पे क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर अटैच होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी लोड है वो एकदम सेंटर पर लगेगा और हमारे को जो भी रीडिंग्स हैं वो क्लियरली हमारे पास आएंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी डायल गोज है, जैसे जैसे यहाँ पे टच करेंगे तो जो ये डायल गोज यहाँ पे लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा, तो इस फ्लक्चुएशन को हम क्या करेंगे जीरो सेट कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम हमारा जो भी प्रैक्टिकल है, हमारा अब प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि
हम यहाँ पर अपना इनिशियल जो भी वेट होगा हमारा, यहाँ पर हमारा सबसे पहले इनिशियल वेट लगाएंगे, ठीक है। इनिशियल वेट जैसे ही हमने लगाया, तो जैसे ही वेट लगा उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि हमने कब कब टाइम इंटरवल पे लेना है, 1/4, 1/2, 1/2, ऐसे करते करते 1440 मिनट्स पे हमको क्या करनी थी, रीडिंग लेनी थी। तो हर एक उस मिनट पे हमने क्या कर लिया, टेबल पे वो सारे मिनट्स लिख दिए, और जो जो डायल गेज की रीडिंग आई हमने वो यहाँ से मेंशन करती करते करते लिख देनी है, ठीक है। अब जैसे ही ये 1440 मिनट खत्म हुए, उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा जो लोड है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही हम लोड इंक्रीज करेंगे फिर क्या होगा, फिर से सेम हमारी जो भी मिनट थे, फिक्स टाइम जो था हमारा, उस पे हम क्या करेंगे, डायल गोज की रीडिंग यहाँ इसकी ये डायल गोज की मदद से हम क्या करेंगे, हमारी रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे करते करते हमने क्या बोला था कल कि 640 किलो न्यूटन हमारा लास्ट अप्लाई लोड होता है, 640 किलो न्यूटन पर मीटर पर हमारा क्या होता है, लास्ट अप्लाइड लोड होता है। तो हम क्या करेंगे, अप टू 640 किलो न्यूटन सेम प्रोसेस अपनाएंगे, सेम इंटरवल्स पे हम सारी रीडिंग्स लेंगे, और जैसे ही हमारा सबसे लास्ट वाला होगा तो अब हम क्या करेंगे, हमारी सारी रीडिंग्स आ गई, अब हमने क्या किया उसको डिक्रीज करना स्टार्ट किया, 1/4 ऑफ दैट लोड हमने क्या किया, डिक्रीज करना स्टार्ट किया। और जैसे ही हमने 1/4 हमने उस फाइनल लोड का 1/4 हमने क्या किया, हटाया, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो भी रीडिंग आएगी 24 आवर्स बाद उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे ही हमने 24 आवर्स बाद उसको नोट किया, फिर क्या करेंगे, फिर से उसमें 1/4 लोड डिक्रीज करेंगे, और फिर से 24 आवर्स बाद उसका जो रीडिंग आएगी उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, वापस हमारी इनिशियल रीडिंग, इनिशियल जो हमने वेट लगाया था वहां पहुंच जाएंगे, और आफ्टर जब इनिशियल भी सब कंप्लीट हो जाएगा, इनिशियल वाले जो लोड पे हमने जो भी हमारा इनिशियल, जैसे मान लीजिए A1 मेरा लोड था, तो उस पे जो भी मेरी रीडिंग आएगी आफ्टर 24 आवर्स, जब वो हो जाएगा, आफ्टर दिस होल प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो कंसोलिडेशन ये रिंग है, इसके अंदर जो रिंग है इसको हम निकालेंगे, इसका वेट करेंगे विद स्पेसिमेन, ठीक है। और जिस ऊपर से जितने भी वाटर का जो भी वाटर लगा हुआ है या जो कुछ भी है, तो हम उसको क्या करेंगे, वाइप आउट करेंगे, किसकी मदद से, ब्लॉटिंग पेपर की मदद से हम उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब मास आ गया हमारे पास, तो इसमें से, इस सॉयल सैंपल में से एक थोड़ा सा सॉयल सैंपल लेंगे, एक एम्प्टी कंटेनर लेंगे, उस एम्प्टी कंटेनर का हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, फिर इस सैंपल को उसमें रखेंगे, फिर जो एम्प्टी कंटेनर है और जो हमारा क्या है सॉयल सैंपल है, उसका हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेट करके हम क्या करेंगे, उसको 24 आवर्स के लिए ओवन में रख देंगे, और उसके बाद 24 आवर्स का उसका वेट देख लेंगे, कितना हमारे पास उसकी डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी हमारे पास कितना, वाटर कंटेनर ड्राई डेंसिटी हमारे पास निकली, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरा होल प्रोसेस है हमारा कंसोलिडेशन करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने का, ठीक है। इस होल प्रोसेस में जब तक कि हम क्या करें, लास्ट इनिशियल लोड हम हटा रहे हैं, और जब तक कि ये कंसोलिडेशन रिंग हमारी यहाँ से जाएगी, तब तक क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा कंसोलिडेशन सेल है, ठीक है, सॉरी कंसोलिडेशन रिंग है, ये पूरी जो है ये क्या होगी, वाटर में फिक्स, पूरी वाटर फिल्ड होनी चाहिए, इसमें वाटर कम नहीं होना चाहिए। यही हमने कल पढ़ा था कि जो भी कंसोलिडेशन रिंग होती है वो क्या होती है, कंसोलिडेशन सेल में होती है, उसमें क्या होता है, पूरा वाटर में डूबी भी होनी चाहिए, उसमें वाटर की कमी नहीं होना चाहिए, वाटर इन एंड आउट होने की पूरी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमने ये सारी चीजें कर ली, तो हमारी जो टेबल मिलेगी वो हमको इस तरह के कुछ मिलेगी, ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमारी होगी, ठीक है, इसमें सारी हमारी वैल्यूज लिखी हुई होंगी। हम विद दी हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, जैसे कि हमने कल कुछ पढ़े थे, डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट सीवी, ये सारे कुछ हैं, तो इनको, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारी जो भी कंसोलिडेशन करेक्टरिस्टिक्स है हम उसको यहाँ पे ले लेंगे, और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ग्राफ की मदद से क्या होगा, हमको सारी रीडिंग्स मिल जाएगी। वो ग्राफ किस किसके बीच में होगा, जो भी कंप्रेशन से रिलेटेड डायल गेज में रीडिंग आई वो, प्लस टाइम के बीच में क्या होगा, अंडर रूट टी के बीच में क्या होगा, वो ग्राफ प्रिपेयर होगा, और उससे हमको क्या मिलेंगी, सारी हमारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल लैब की मदद से हम इसको देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये सॉइल थी, इसमें 1 टन डाला, फिर 5 टन डाला तो ज्यादा और पानी निकला, फिर 10 टन डाला तो और ज्यादा पानी निकला, और आफ्टर 10 टन हमने क्या किया, इसको रिमूव करना चाहते, तो देखिए जैसे ही रिमूव हुआ, मैं दोबारा से दिखाती हूँ, जैसे ही रिमूव होगा
तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ स्वेलिंग होगी सॉइल में, जैसे ही वेट हटाएंगे हम यहाँ से तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये देखिए कुछ ना कुछ क्या हुआ, स्वेलिंग हुई सॉइल की। तो ऐसे ही क्या होगा, हर एक वेट को हटाने के बाद भी यही सेम प्रोसेस आएगी। तो हमने पहले क्या करना था, नॉर्मल हमारा सैंपल था, हमारी कंसोलिडेशन रिंग में हमने उसको रखा, ऊपर से हमारा हमारा नीचे से वेट लगा तो कुछ पानी निकला बाहर, ठीक है, उस सॉइल सैंपल में जितना था। ऐसे करते करते हम वेट बढ़ाते गए, लास्ट वेट तक हमने क्या किया, जितना भी उसमें पानी था उसको स्क्वीज आउट हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये जो वेट है उसको हटाते हैं। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे सॉइल, जैसे यहाँ पे मूवमेंट हुआ, सॉइल क्या हुई, स्वेल्ड हुई, तो वही मूवमेंट हर एक वेट को हटाने पे आता है, और जिसकी मदद से क्या होता है, हमको हमारी डायल गेज की रीडिंग्स मिलती हैं। तो ये होल प्रोसेस है, ये किस लिए किया जाता है, ताकि अगर हमारा मान लीजिए अगर हमने ये नहीं किया और हमारा हमने क्या किया, सुपर स्ट्रक्चर इस लेवल पे बनाया था, तो अगर हमने ये चीज नहीं करी, कंप्रेशन नहीं किया उस सॉइल में, तो हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है वो सेटल डाउन हो जाएगा, और जो सॉइल है उसकी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंसोलिडेशन टेस्ट करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेशन, बट इफ यू डोंट एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।